आज हूँ मैं मैक्सिको में और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है अमेरिका की वॉल जो के लोग डोंकी प्रोसेस से यहाँ से कूद के जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से कूदते हैं। बिल्कुल मैं वॉल के पास में हूँ, आना भाई यहाँ पे। तो ये है एक छोटी सी रिवर, तो वो अमेरिका की साइड में वहाँ पे ट्रक खड़ा हो गया और वो हमें देख रहा है कि हम लोग यहाँ से कूदने वाले हैं, उनको ये नहीं पता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डोंकी प्रोसेस है ना वो कैसे होता है, जो लोग मैक्सिको से अमेरिका में वॉल जंप करके आते हैं ना वो किस तरीके से आते हैं। तो ये है मेरे पीछे वो मैक्सिको और अमेरिका की वॉल, जो कि मैक्सिको की तरफ से लोग अमेरिका में कूद के आते हैं। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ अमेरिका के अंदर। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये यूएस का बॉर्डर है, जो कि आप लोगों को अगर यहाँ से यूएस से मैक्सिको में जाना है ना तो ये बॉर्डर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और अगर मैक्सिको से आना होता है ना तो इसी तरीके से मैक्सिको की साइड में बॉर्डर बना हुआ है। तो आज है ना मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अमेरिका से मैक्सिको जा सकते हो और मैक्सिको से किस तरीके से अमेरिका आ सकते हो। लोग वॉल देख रहे हैं ना, ये अमेरिका की तरफ से वॉल है। अभी है ना मैं मैक्सिको में भी आज एंटर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैक्सिको से किस तरीके से वॉल लोग है ना जंप करके आते हैं, जिसको इंडिया में डोंकी प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो मैं डोंकी प्रोसेस के बारे में बता दूं, डोंकी प्रोसेस क्या होता है। कुछ लोग आते हैं बहुत सारी कंट्रियों को क्रॉस करके मैक्सिको के बॉर्डर तक, और फिर उसके बाद जो ये वॉल है ना इसको वो जंप करके अमेरिका आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद वो लोग अप्लाई करते हैं असाइलम। और एक और चीज, जो ये वॉल है ना ये पूरे अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे हर जगह पे नहीं बनी हुई है। तो ये तो वॉल वाला बॉर्डर है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ से ना जब हम लोग एलपासो की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे वॉल नहीं बनी हुई, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं ये कि मेरे भाई नवंकर चौधरी को ना एक और बॉर्डर दिखाने के लिए लाया हूँ, जहाँ पे ना तो वॉल है और ना ही पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कभी कभार गाड़ी चला के जाते हैं। तो हम लोग वहाँ से चलाते हुए आ रहे थे, वहाँ पे है I-10 अमेरिका का जो मेन हाईवे है। तो यहाँ से हम लोग ड्राइव करते समय इस पे हम लोगों ने भी ड्राइव करके देखा, यहाँ कोई भी नहीं है पुलिस वाला। ये जो सामने माउंटेन सा देख रहे हो ना, वो सारा मैक्सिको है, वो जो जितना भी माउंटेन है। और ये बीच में जो जंगल सा देख रहे हो ना, ये है यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है मैक्सिको और अमेरिका को। और ये यहाँ पे ना एक डिच सी है जहाँ पे पानी भरा हुआ है भाई, यही है बॉर्डर यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है देख लो दूर दूर तक। तो ये भी एक बॉर्डर है यहाँ का जहाँ पर कोई भी नहीं आता। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलपासो में। तो अभी हम लोग आ गए हैं बिल्कुल, वो जो आप लोग देख रहे हो ना वो है एलपासो का डाउनटाउन। तो यहाँ पे इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है और ये पेड पार्किंग है, कुछ पार्किंग फ्री भी है, बट हम लोग आ गए हैं पेड पार्किंग में। यहाँ पे अपनी बसंती खड़ी कर दी है, और यहाँ पे इन्होंने ना हर जगह पे लिखा हुआ है कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर किसी ने भी गाड़ी वगैरह तोड़ी। तो हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, अब जाना तो है ही तो लगा देते हैं। यही है बिल्कुल सामने बॉर्डर, ये जो फ्लैग देख रहे हो ना आप लोग ये वाले, इसी के पीछे ही है। ये वाला जो रोड है ना, ये रोड सीधा चला जाता है मैक्सिको में। तो अगर हम लोग गाड़ी ले जाते हैं ना तो यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ वगैरह नहीं है। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग की थी ना, वो की थी कैलिफोर्निया से मैक्सिको में, और नो डाउट यार वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा रश था, मेरे को काफ़ी टाइम लगा था अंदर घुसने में। और जब मैं वापस आ रहा था ना तब भी वहाँ 2 घंटे की वेटिंग थी, बट मैंने गलती से है ना दूसरे वाले रोड पे मैं चला गया था जहाँ पे अलाउड नहीं था। और ये भी है ना मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं वॉक करके एक दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने जितनी भी बॉर्डर क्रॉसिंग की है ना वो सारी मैंने अपनी गाड़ी के थ्रू की है। तो ये है बॉर्डर देख लो इतनी पास से, अब यहाँ से हम लोग वॉक करके जाएंगे और देखते हैं कि फ्री है या नहीं है। तो अभी हमारी एंट्री हो गई है यहाँ पे मैक्सिको में, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा बॉर्डर पे इसलिए वीडियो नहीं बनाया, वहाँ पे अलाउड नहीं थी। हम लोग यहाँ से आगे हैं अंदर, ये जो पीछे देख रहे हो ना ये है मैक्सिको का बॉर्डर। और जब हम लोगों ने वहाँ से वॉक करके क्रॉस किया ना, तो पूरा वो नीचे से वो वॉल भी जा रही थी जो कि अमेरिका और मैक्सिको को डिवाइड करती है। और जैसे ही हम लोग अंदर आए तो सब लोग स्पेनिश बोल रहे थे, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट हमें जाना पड़ा इमिग्रेशन के काउंटर पे, क्योंकि भाई के पास है इंडियन पासपोर्ट, मेरे पास है अमेरिकन पासपोर्ट। उन्होंने बोला आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, बट भाई से पूछा। भाई ना उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि भाई आप ये यहाँ पे करने के आए और कितने दिन यहाँ पे रुकोगे। तो भाई ने बोला मैं इसी वाली सिटी में आया हूँ और सिर्फ एक दिन रुकूंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक फॉर्म भरने को दिया जो कि FAA करके फॉर्म होता है। भाई ने वो फॉर्म फिल कराया और वहाँ पे गए, तो उन्होंने बोला कि आपको है ना जब वापस जा रहे होंगे ना तो दोबारा इस काउंटर पे आना पड़ेगा। आई थिंक वो स्टैंप लगाएंगे, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगी है? तो भाई के पासपोर्ट पे स्टैंप भी लग गई है। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मेन एरिया में। सबसे पहले हम लोग आए हैं इधर आइसक्रीम शॉप पे आइसक्रीम खाने के लिए, बिल्कुल ये जो है ना बॉर्डर है इसके पास में ही था। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 आइसक्रीम ले लिया जो कि 70 पैसों की, अमेरिका के हो गए ये $5 के करीब।
और आइसक्रीम जो टेस्ट है ना ओके ओके है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी महंगी दे रहे हैं, क्योंकि सुनने में यही आया था कि मैक्सिको में सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं अमेरिका से, बट ये हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे हैं इस वजह से महंगी हो। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अमेरिका की तरफ से जब हम लोग एंटर कर रहे थे ना, वहाँ कोई भी चेकिंग नहीं हुई और वहाँ पे हमें देने पड़े 50 सेंट्स पर बंदे के एंट्री के, तो हमारा $1 लगा दोनों का एंट्री करने में। देखो सामने ये बॉर्डर पेट्रोल वालों की गाड़ियां चल रही हैं, बिल्कुल उसके सामने ये जा रही है एक। तो अभी हम लोग यहाँ पे वॉल के पास तो आ गए हैं, बट वो वहां तक है ना जा नहीं सकते, बहुत सारे सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना ऊबर बुला लिया है, तो ऊबर हमें कहाँ तक लेके जा रही है? नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, उसको कहना पड़ेगा कि हमको दिखा दे, हमें तो स्पेनिश नहीं आती, तो लिख लो इसमें। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे स्पेनिश, इंग्लिश से स्पेनिश में, और तब उसको बताएंगे कि हमें किस दर जाना है। तो क्योंकि टैक्सी वाले ना उनको आइडिया होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अलग अलग कंट्री से, जो कि मतलब इस वॉल को टापने के लिए आते हैं। तो देख लो हम लोग पहले अमेरिका में खड़े हुए थे, इधर स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। तो अगर जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को एक लाइक बटन दबाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी अच्छी चीज लगी बुरी चीज लगी कमेंट कर देना, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं वीडियो बनाऊँ। आप बैठ जाओ आगे। तो लगता है कि भाई साहब है ना समझ गए, अभी हम लोगों ने इनको है ना उससे ट्रांसलेट करके सुनाया स्पेनिश से इंग्लिश में, तो उन्होंने मुंडी तो घुमाई है यस वाली, बट इन्होंने इंग्लिश पूछी तो मना कर दिया कि नहीं आती। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक ही टेंशन है कि भाई साहब पता नहीं कहाँ उतारेंगे, उनको समझ आ गया है नहीं आ गया है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बट देखते हैं, उनको बोला तो है मतलब ट्रांसलेट करके कि भाई ऐसे हम लोग देखना चाहते हैं, वो इनको शायद यही लग रहा होगा कि हम लोग कूद के जाएंगे, सच बता रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल से कई लोगों को और भी छोड़ा होगा इन्होंने। अगर यहाँ तक देखोगे ना वॉल पे, तो यहाँ पे वो जालियां लगी हुई हैं जो कांटे वाली, बट वो वहां से खत्म हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है भाई साहब सही जगह पे ले आए कि जहाँ से लोग कूदते हैं। वहां पे मेरे को गाड़ी भी खड़ी दिखी है पुलिस वालों की, वो खड़ी हुई आर्मी टाइप की गाड़ी लग रही है। इस तरीके के एरिया में आते हैं ना, तो एक और डर होता है कि कुछ लोग है ना अगर उनको पता चल जाता है ना, जैसे कि हमारे पास तो यूएसए का वीजा वगैरह सब कुछ है, जैसे मेरे पास यूएसए का पासपोर्ट है, तो वो कभी कभार है ना लूटने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है कि जो लोग अमेरिकन आते हैं ना उनको बंदी भी बना लेते हैं ये। Gracias. Thank you. तो अभी भाई साहब ने हमें यहाँ उतार दिया है, अभी आ गए हमारे टैक्सी वाले बाहर हमें देखने के लिए कि हम लोग वो पीछे है ना टैक्सी वाले को लग रहा है कि हम यहाँ से बॉल कूद के जाएंगे, तो बंदा बाहर खड़ा होके देखने लग रहा है हमें कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। अब देखो ये वो खड़ी हुई है वहाँ पे वैन, और एक ये चलने लग रही, तो ये बॉर्डर प्रोटेक्शन कर रहे हैं भाई। मेक्सिको गवर्नमेंट की कार है। हाँ मैक्सिकन गवर्नमेंट की है ना ये सफेद वाली, वो दूसरी वाली डिफरेंट थी। सड़क क्रॉस कर ली, भाई एकदम से रुक गए, कभी भाई आएंगे तो यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं और ये वही वाला एरिया आ जाएगा। बट वो वहां पे देखो वो बंदे अब हमें देख रहे हैं, वो वैन वाले ये रहे। अब मेरे को पता है जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो ये हमारे पास ले आएंगे वैन, देखते हैं कि क्या करेंगे आगे। भाई भागते हुए अब देखते हैं कि ऊपर चढ़ने पे क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ना लोगों के बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं और वहां पे एक जाली लगी हुई है। तो ये जो अमेरिका ने बॉर्डर बनाया है ना, इस बॉर्डर से इधर की भी जो थोड़ी सी लैंड है ना वो भी अमेरिका वालों की है। वो इसलिए किया था उन्होंने कि यहाँ से अगर बॉर्डर पेट्रोल करना पड़े तो कर सके, तो इसलिए मैंने देखा है उससे भी पहले ना एक और जाली वाली इन्होंने वॉल बनाई हुई है वहां पे। भाई तो अभी हम लोग इस पे चल रहे हैं और ये देखो पीछे मेरे वो आगे पुलिस वाले, अब देखते हैं क्या बोलेंगे, बॉर्डर पेट्रोल वाले हैं पुलिस वाले हैं पता नहीं, हो सकता है हमसे कुछ पूछे तो देख लेंगे। देखो वो बंदा चला गया और हमारी तरफ है ना ऐसे करके गया और स्माइल कर रहा था, इमिग्रेशन वाला था वो,
तो कुछ भी नहीं बोला हमें। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से नीचे से जाके और वो पास में दिखाता हूँ। यहाँ पे किसी का जो डॉगी है ना, यहाँ पे देखो ये घूमने लग रहा है, ये लगता है उन भाई साहब का है। यहाँ पे वॉल से ज्यादा तो मुझे इस डॉगी से डर लग रहा है, कहीं ये ही ना पाड़ ले। ओ शिट भाई, डॉग ने बिल्कुल डरा दिया, बिल्कुल पास से निकला, भाई भी डर गए। ओ भाई वो डॉग तो पूरा पानी में कूद गया। जो भाई साहब है ना, अभी मैं उनसे बात कर रहा था, उनको भी ये लगा कि शायद हम लोग कूद के जाने वाले हैं, पता नहीं क्या स्पेनिश में बोल के चले गए हमें। पीछे वॉल देख रहे हो ना, वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो आप लोगों को वहां से यहां तक चलते हुए आना पड़ेगा। जो भी ये घूम रहे ना इमिग्रेशन वाले, अगर आपसे कुछ ना पूछे तब आप लोग यहां तक आ सकते हैं, हमसे कुछ पूछा नहीं। उसके बीच में और इसके बीच में ये भी अमेरिका का एरिया है, अमेरिका वालों ने रखा हुआ है अपना एरिया बॉर्डर पेट्रोलिंग करने के लिए, और कभी कभार फिंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो इधर आके फिक्स करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से कूदते हैं, बिल्कुल मैं वॉल के पास में हूँ। जो भाई दिखाओ, तो ये देख लो, जब लोग आते हैं ना मैक्सिको से तो यहाँ पे ऐसे कपड़े वगैरह, ये देखो शैम्पू, खाने के डब्बे, ब्रश, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, ये सारा सामान उन लोगों का है जो डोंकी करते हैं भाई। अब ये देख लो, आना भाई यहाँ पे, तो ये है एक छोटी सी रिवर, जहां से ये रिवर पार करके जाना पड़ता है। रिवर क्या, बिल्कुल ही मैं बोलूंगा दलदल टाइप का लग रहा है। तो ये वो पार करते हैं, यहाँ से अपना ज्यादातर सामान यहाँ छोड़ देते हैं, फिर ये जो जालियां लगी हुई है ना, ये जाली क्रॉस करनी पड़ती है, और ये जाली वो है कांटे वाली जाली। तो वो देखो कितने सारे लोगों के जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, वो इसलिए पड़े हुए हैं कि उस जाली के ऊपर कपड़े लगा देते हैं, तब वहां पे क्रॉस करते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं अभी, ये देखो अभी मैं यहां के खड़ा हुआ हूं ना, तो वो अमेरिका की साइड में वहां पे ट्रक खड़ा हो गया और वो हमें देख रहा है कि हम लोग यहां से कूदने वाले हैं। उनको ये नहीं पता हम लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे खड़े होके किसी भी ट्रबल में यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बट हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे, हमने देखा यहाँ पे अभी कोई इमिग्रेशन वगैरह वाला नहीं था तो हम लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ से कूद के जाएंगे ना तो वो डेफिनेटली हमें यहीं पर ही अरेस्ट कर लेंगे, वो वॉल नहीं कूदने देंगे। तो चलो, ये हम लोग बिल्कुल इतने पास आए थे आप लोग को दिखाने के लिए जो वॉल वगैरह से लोग कूदते कैसे है, तो देख लो यार क्या नजारा है। मैं सच बोलूं ना तो जैसे लोग यहाँ पे आते हैं ना कूदने के लिए, तो उनके अंदर बहुत ही बड़ा दिल होता है कि इतनी सारी कंट्रियों को क्रॉस करके आ रहे हैं, और मैं तो यही बोलूंगा यार अपनी पूरी जान पे खेल के और उस बार वॉल के दूसरी तरफ पहुंचना है। ठीक है, लकली भाई के पास भी वीजा है, मेरे पास भी है, हम लोग आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि हमें कोई यहाँ पे अरेस्ट वगैरह कर ले। ये तो आप लोगों को जैसे मैंने दिखा दिया किस तरीके से पूरा इल्लीगल वे से मेक्सिको से अमेरिका जाते हैं, अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं अमेरिका में। और आप लोगों को लीगल वे से दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों के पास प्रॉपर वीजा वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, तो आप कितना इजिली अमेरिका के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ से हमें दोबारा ऊबर पकड़नी पड़ेगी। तो अभी तक वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है और वो दूरबीन से देख रहा है, भाई देख लो ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डर का भी माहौल है, क्योंकि पुलिस का पता नहीं है आपको लूट के ले जाएगी। हाँ तो मेक्सिको की जो पुलिस है वो भाई कह रहे लूट के ले जाती है टूरिस्ट को। अच्छा आपके साथ हुआ है कभी लूट ले गई? मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मैं यहाँ थोड़ी जाता हूँ, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, ले गई इसका पर्स, सारे पैसे निकाले, 5 मिनट बाद आई वापस दे गई पर्स बिना पैसे के। तो देख लो ये जो एरिया है ना सेफ नहीं है, भाई बता रहे इनका एक दोस्त आया था, पुलिस वाले ही लूट के ले गए। तो अभी हम लोग सड़क क्रॉस करके आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ से ऊबर पकड़ के जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों ने किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और हमें कुछ इश्यू हो गया था, तो पार्ट 2 कल आएगा।